जनादेश से विश्वासघात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल एवं बीजेपी नगर विधायक डॉक्टर सुनील के अलावे कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया था, उस जनादेश के साथ नीतीश कुमार ने विश्वासघात करने का काम किया है। उस जनादेश का अनादर करते हुए नीतीश कुमार ने अनैतिक गठबंधन करने का फिर से काम किया। नीतीश कुमार ने उस गठबंधन के साथ जाने का काम किया है जिसने बिहार में जंगल राज लाने का काम किया था। लेकिन आज कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़कर उसी व्यक्ति के साथ जाने का काम किया है जो जंगल राज के प्रणेता है। नीतीश कुमार ने लगातार विश्वासघात करने का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2013 में भी एनडीए गठबंधन से बिना किसी कारण के अलग होकर विश्वासघात किया था। नीतीश कुमार जो 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक पहचान दी। शुरू से नीतीश कुमार को कृषि मंत्री बनाकर, रेल मंत्री बनाकर और 5-5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर जिस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, वो नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़कर 20 में जनादेश के साथ ही विश्वासघात नहीं किया, भाजपा के साथ भी किया। आज उसी के खिलाफ में धरना देखिए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था उस जनादेश के साथ विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है। उस जनादेश का अनादर करते हुए अनैतिक गठबंधन फिर से करने का काम किया। उस गठबंधन के साथ गए हैं जिसने बिहार में जंगल राज लाने का काम किया था, और जब उनके साथ थे और अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा बिहार में जंगल राज नहीं आने देना चाहता हूं, इसलिए मैं साथ छोड़ रहा हूं। बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया था, लेकिन आज कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि आज छोड़ करके फिर उसी व्यक्ति के साथ गए हैं जो जंगल राज के प्रणेता हैं, जिनका पूरा परिवार, पूरी पार्टी जंगल राज में परिणत इस बिहार को कर दिया था। नीतीश कुमार लगातार विश्वासघात करने का एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। 13 में भी एनडीए की सरकार से अलग होकर के बगैर कारण अलग हुए थे, फिर 17 में महागठबंधन से अलग हुए और फिर 2022 में अलग हुए हैं। प्रधान नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं वो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि 2014 वाला 24 में नहीं आएगा। 14 में नीतीश कुमार थे क्या जो ऐसे बिहार में बगैर नीतीश कुमार के हम 31 सीटों पर यहाँ चुनाव जीते थे। और मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार 19 में उन्होंने कहा था कि बिहार में देश के अंदर में कोई लड़ाई नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है नरेंद्र मोदी का। 24 में भी मैं कह रहा हूँ कि कोई मुकाबला नरेंद्र मोदी का नहीं है। जिसको तैयारी करना हो 29 के लिए तैयारी करे, नरेंद्र मोदी फिर से 24 का प्रधानमंत्री बनेंगे। जो व्यक्ति सपना देख रहा है उसका सपना अधूरा रह जाएगा, सपना कभी पूरा नहीं होगा।